हरियाणा के करनाल में मंगलवार सुबह 3:30 बजे शिव शक्ति राइस मिल की 3 मंजिला इमारत ढह गई। इसके मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 मजदूर मलबे में दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 120 मजदूरों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय लापता हो गए हैं। उनके बेटे सुभांशु रॉय ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि रॉय का सोमवार शाम से कोई पता नहीं है, उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। सुभांशु ने बताया कि रॉय सोमवार शाम को इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए निकले थे। लंदन में भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ की एनआईए जांच करेगा। खालिस्तान समर्थकों ने लगभग 1 महीने पहले यहां पर तिरंगे का अपमान किया था। सूत्रों के मुताबिक यह मामला कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय के काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन द्वारा एनआईए को सौंपा गया था। बता दें कि 20 मार्च को खालिस्तान समर्थक लंदन में भारतीय हाई कमीशन पहुंचे थे। उन्होंने पहले वहां तोड़फोड़ की और बाद में तिरंगे को उतार दिया। देश में कोरोना के मामलों में लगातार 4वें दिन गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 7633 नए मामले आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस का आंकड़ा 61233 हो गया है। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 81 अंक की तेजी के साथ 59,991 के स्तर पर खुला। निफ्टी भी 60 अंक चढ़कर 17,766 के स्तर पर ओपन हुआ है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 शेयरों में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली।